हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है एक दिल्ली पब्लिक स्कूल में, और बहुत सारी वैकेंसीज वहां पे हैं। उसमें हेड मिस्ट्रेस के लिए पोजीशन है, और उसके अलावा पीजीटीज, टीजीटीज, पीआरटीज और जो बाकी टीचर्स होते हैं जैसे म्यूजिक, डांस, एक्टिविटी टीचर्स, पार्ट टाइम टीचर्स, उन सभी के लिए वैकेंसीज आई हुई है। और सैलरी उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से पे करी जाएंगी, और उससे भी अच्छी सैलरीज दी जा सकती है अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो अगर आप जॉब देख रहे हैं तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर काफ़ी सारी वैकेंसीज हम शेयर करते रहते हैं और वो सब आपके पास तक पहुँचती रहेंगी अगर आप इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशंस को ऑन करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये वैकेंसीज कहां पे हैं और आप कैसे और कब तक इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जरूर शेयर करें ये वीडियो अपने नेटवर्क में ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सके, इसमें अप्लाई कर सके। तो ये हमने वेबसाइट ओपन करी हुई है स्कूल की, और जो वैकेंसीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो हेड मिस्ट्रेस के लिए सबसे पहले पोजिशन है नंबर 1 पर, जो उन्होंने मेंशन करा हुआ है। उसके बाद नंबर 2 पर पीजीटीज के लिए पोजीशंस हैं, और पीजीटीज उनको चाहिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स। इन सभी सब्जेक्ट एरियाज में पीजीटीज की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद टीजीटीज की रिक्वायरमेंट है जो कि नंबर 3 पर यहाँ मेंशन करा गया है। टीजीटी उनको चाहिए इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, फिर साइंस, और साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिर कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, फिर फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स। इन सभी सब्जेक्ट्स में टीजीटीज की रिक्वायरमेंट है। नंबर 4 पर पीआरटीज के लिए वैकेंसीज हैं, और पीआरटीज उनको चाहिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस, और उसमें फिर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, क्लासिकल डांस, और इन सभी सब्जेक्ट्स में पीआरटीज की रिक्वायरमेंट है। फिर नंबर 5 पर उन्होंने मेंशन करा हुआ है नर्सरी ट्रेन्ड टीचर की रिक्वायरमेंट्स। नंबर 6 पर फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, जिसमें फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद नंबर 7 पर हिंदुस्तानी म्यूजिक टीचर, जिसमें वोकल, तबला, अदर परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स और वायलिन या फिर सितार। नंबर 8 पर उन्होंने मेंशन करा हुआ है वेस्टर्न म्यूजिक के लिए उनको टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट है। फिर एक अकाउंटेंट की पोजीशन है, काउंसलर की पोजीशन है, वार्डन की रिक्वायरमेंट है, मेल और फीमेल दोनों, और पार्ट टाइम टीचर्स की रिक्वायरमेंट है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं। ये स्कूल है बोकारो में, बोकारो यानी झारखंड में है दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये टू द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल चास बोकारो, ये इसका पूरा एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। और ये जो है इसमें ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर जो हमने ओपन करा हुआ है इसी के ऊपर आपने फॉर्म भरना है। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो और भी डिटेल्स इसमें दी गई हैं, वो भी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो जब आप फॉर्म भरेंगे आपने आपका कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपलोड करना है, और साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी आपने इनको प्रिंट आउट भी भेजना है, हार्ड कॉपी। तो पहले ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, और साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उन्हें भेज देना है। इनका जितना जल्दी हो सके उतना आपने भेज देना है। नीचे इन्होंने डिटेल में क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। जैसे हेड मिस्ट्रेस की बात करें तो आपका कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड, और कम से कम 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और अगर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपने प्राइमरी लेवल पे हेड मिस्ट्रेस का आपको एक्सपीरियंस है तो। पीजीटी के लिए इन्होंने 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में। टीजीटी के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। पीआरटी के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, और नर्सरी ट्रेन्ड टीचर के लिए भी इन्होंने कम से कम 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी है। फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी 1 साल का रिक्वायरमेंट है। तो आप को जो पोजीशन सूट करती है उसके हिसाब से आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ट्रेनी टीचर के लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तभी भी आप इसके लिए जरूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। नीचे इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि जो सैलरी रहेगी वो 7th पे कमीशन के हिसाब से रहेगी और अगर आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं तो उससे भी अच्छी सैलरीज आपको दी जा सकती है। तो ये सारी डिटेल्स हैं वैकेंसी के बारे में। अगर आपको ये सूट करता हो तो अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले तो इनकी वेबसाइट आप नोट कर ले, ये है dpschoasbokaro.com। सो dpschoasbokaro.com ये यहाँ पे ब्लू कलर में मेंशन करा गया है। इस पेज में नीचे की तरफ जब आप आएंगे वेबसाइट ओपन करने के बाद राइट हैंड साइड में करंट ओपनिंग्स का टैब है, उसके ऊपर क्लिक करिए। फिर ये फॉर्म ओपन होगा। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नए विंडो में नए टैब में ये ओपन हो जाएगा जो इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपने इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर प्रिंट आउट निकालिए और इनको भेज दीजिए। 10 दिन के अंदर इन्होंने बोला हुआ है और वेडनेसडे को ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, मतलब ये आप आज मंडे है, आप संडे तक इसको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए उनके पास। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। So hopefully these vacancies would be useful for you. We'll again come back with some more positions. Thanks for watching.